इंदौर एमजी रोड थाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली जूते बेचने वाले दुकानदार सोहेल शाह निवासी ग्रीन पार्क चंद्रनगर और ब्रजेश पुत्र राम सरही शिवहरे निवासी सिल्वर स्टार कॉलोनी राजेंद्र नगर को गिरफ्तार किया। वहीं पते सिंह आजवान के मुताबिक आरोपी सोहेल की एमजी रोड पर मालवा बूट हाउस और ब्रजेश की भवरकुआ क्षेत्र में फिरकी फैशन के नाम से दुकान है। वे ब्रांडेड कंपनियों के नकली जूते बेच रहे थे। उनके विरुद्ध कंपनी प्रतिनिधि अमित जग्गी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कॉपीराइट का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये यूनाइटेड ओवरसीज़ कंपनी के जांच अधिकारी अमित जग्गी ने आवेदन दिया था एसपी सर को और थाने पे कि नकली सामान एमजी रोड क्षेत्र में बिक रहा है, जिस पर मालवा बूट हाउस 470 एमजी रोड पर छापा मारा। वहाँ से कॉपीराइट की कंपनी के जो जांच अधिकारी थे उन्होंने 45 नग नकली जूते नाइक वेंस और अंडर आर्मर कंपनी के नकली होना बताए थे, तो उन्हें जब्त किया। और उसके बाद वो माल कहाँ से लाता था उसका मेमो लिया था, तो मेमो पे भवर कुआ की एक दुकान है फिरकी फैशन, गर्ल्स हॉस्टल, महादेव गर्ल्स हॉस्टल के बेसमेंट में है। फिर वहाँ पे छापा मारा था उसके मेमो के आधार पे, तो वहाँ से 671 नग और फिर नकली जूते मिले थे। ये लगभग असली की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये प्रत्येक पीस की कीमत होती है, लेकिन नकली जो है वो 2000 के लगभग, 1500-2000 के लगभग बेचते थे, तो नकली लाते थे। अब आगे कहाँ से ला रहे हैं उसकी अभी जारी है विवेचना। आरोप कहाँ के रहने वाले और कितने आरोपी हैं? दो आरोपी है, एक आरोपी ये यहीं एमजी रोड 470 एमजी रोड का है और एक आरोपी भोरबुआ क्षेत्र का है। आरोपी का नाम है ये सोहेल पिता अनवर और एक और का नाम है ब्रजेश पिता राम सरही शिवरे। इनकी शॉप का नाम ये ब्रजेश की शॉप का नाम है फिरकी फैशन और सोहेल की शॉप का नाम है मालवा बूट हाउस। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।